हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नाइस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ें अपडेट कराई जाती हैं। तो इस वीडियो में भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हैं जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीपीएससी को लेकर पहला लेटेस्ट न्यूज़ है, सामान्य का कट ऑफ ओबीसी से 3.2 अंक अधिक। तो फ्रेंड्स, ये पीसीएस 2016 का कट ऑफ अंक जारी किया है यूपीपीएससी ने। अंतिम चयन का कट ऑफ है ये, एग्रीकल्चर ग्रुप में सामान्य से अधिक रहा ओबीसी का कट ऑफ अंक। पीसीएस 2016 के अंतिम चयन परिणाम में एग्जीक्यूटिव ग्रुप के अनारक्षित वर्ग का न्यूनतम कट ऑफ ओबीसी वर्ग से 3.2 अंक अधिक रहा। इसके विपरीत एग्रीकल्चर ग्रुप में ओबीसी का कट ऑफ अनारक्षित वर्ग के मुकाबले 2.11 अंक अधिक रहा। लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को पीसीएस 2016 के अंतिम चयन परिणाम के न्यूनतम कट ऑफ अंक जारी कर दिया। एग्जीक्यूटिव ग्रुप के तहत प्रमुख पदों के लिए अनारक्षित कट ऑफ 897.04, ओबीसी का 893.84, एससी का 831.35 एवं एसटी वर्ग का कट ऑफ 776.44 अंक रहा। तो यहाँ पर ये पीसीएस 2016 का अंतिम चयन का कट ऑफ है जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और जल्द जारी होगा लोअर 2015 का कट ऑफ। यहाँ पर एक और लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है। अमूमन परिणाम जारी होने के बाद सप्ताह भर के भीतर कट ऑफ अंक जारी किए जाने का प्रावधान है, लेकिन आयोग ने पीसीएस 2016 के अंतिम चयन का कट ऑफ जारी करने में महीनों लगा दिए। अभ्यर्थियों को अब लोअर 2015 के अंतिम चयन का कट ऑफ का इंतजार है। इस परीक्षा का रिजल्ट पिछले साल अप्रैल में आया था, परिणाम जारी हुए एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि अगला नंबर लोअर 2015 का है, पूरा प्रयास होगा कि इसी माह कट ऑफ अंक जारी कर दिया जाए। तो अगला नंबर यहां पर लोअर 2015 का है जिसका कट ऑफ जारी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी यूपीपीएससी को लेकर लेटेस्ट न्यूज़। और भी अन्य लेटेस्ट न्यूज़ है, चलिए उनको भी देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर टीजीटी को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ है। टीजीटी 2011 कम अंक वालों का चयन अधिक को कर दिया भार। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी गणित की परीक्षा में कम अंक वालों का चयन हो गया है, परंतु अधिक अंक पाने वाले के बाद अभ्यर्थियों का चयन सूची से बाहर कर दिया गया। अभ्यर्थी शिखा अग्रवाल लगातार चयन बोर्ड के चक्कर लगा रही है। अब अंतिम बार चयन बोर्ड की नवनियुक्त सचिव को अभ्यर्थी की ओर से प्रत्यावेदन दिया गया है। अभ्यर्थी का कहना है कि अब सुनवाई नहीं हुई है तो वह कोर्ट जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी गणित की 2011 की परीक्षा में शामिल शिखा अग्रवाल का कहना है कि उसने बालिका वर्ग में आवेदन किया था, परीक्षा में उसे 295.57 अंक मिले, जबकि बालिका वर्ग में टीजीटी गणित का कट ऑफ 266.52 अंक था। कट ऑफ से अधिक अंक मिलने के बाद भी उनका चयन नहीं हुआ है। अभ्यर्थी का आरोप है कि 8 अप्रैल 2019 को परिणाम जारी होने के बाद उसने 15 अप्रैल 2019 को चयन बोर्ड में समय शिकायत की। कोई सुनवाई नहीं होने पर शिखा ने चयन बोर्ड की नवनियुक्त सचिव के पास अपना एक प्रत्यावेदन और दिया है। इस पर भी कुछ ना होता तो वह कोर्ट जाएंगी। तो टीजीटी 2011 को लेकर लेटेस्ट मुझे। और पीजी के नए छात्र छात्राओं को 5 हॉस्टलों में मिलेगा प्रवेश, पीजी प्रवेश परीक्षा में अंक समान तो स्नातक की मेरिट में दाखिला। तो ये पीजी को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ है। और फ्रेंड्स, लेटेस्ट न्यूज़ है, तेज हुई लंबित प्रकरणों की निस्तारण प्रक्रिया। सालों से लंबित प्रतियोगी परीक्षाएं अधर में लटके परिणाम जल्द पटरी पर आएंगे, हर महीने कोई ना कोई परिणाम जारी होगा, साथ ही रुकी परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। यह आश्वासन खुद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने अभ्यर्थियों को दिया है। बुधवार को कार्यालय पर अभ्यर्थियों से मुलाकात में उन्होंने साफ कहा है कि जिन परीक्षाओं का परिणाम विवाद में नहीं है उसे जल्द कराया जाएगा। गुरुवार को आयोग में उसके अनुरूप काम भी शुरू हो गया। यूपीपीएससी अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों को बताया कि जेई 2013 की लिखित परीक्षा का परिणाम 15 अगस्त तक जारी करके 2 महीने के अंदर इंटरव्यू करा दिया जाएगा। साथ ही जिन परीक्षाओं में विवाद है और मामला कोर्ट में लंबित है उनका भी जल्दी से निस्तारण कराने की प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही पीसीएस 2017, एपीओ 2018, समीक्षा अधिकारी, सहायक अधिकारी 2016 व 17, प्रोग्रामर को कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड AB 2019, प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज 2017, अपर निजी सचिव 2013, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2019, सहायक कुल सचिव 2019 आदि पदों की रुकी परीक्षाएं जल्द शुरू होंगी। यह परीक्षाएं विवाद में, यूपीपीएससी की कुछ परीक्षाएं विवाद में रही हैं। इसमें पीसीएस 2010, 2016 और अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन 2006, 8, 9, 13 व 14 तक,
और PCSJ 2011-13 सहायक अभियोजन अधिकारी 2010 से 16 तक कृषि तकनीकी सहायक ग्रेड 3 2013 APS 2010 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 सहित कई परीक्षाएं विवाद में हैं। तो काफ़ी परीक्षाएं यहां पर विवाद में भी है। और राष्ट्रपति से मिले यूपीपीएससी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग यूपीपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। यूपीपीएससी का अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर प्रभात कुमार की राष्ट्रपति से यह पहली मुलाकात है। राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात में डॉक्टर प्रभात ने उनसे अनेक मुद्दों पर चर्चा की। लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विस्तार के बारे में बताते हुए वहाँ की पारदर्शी कार्यप्रणाली पर भी वार्ता की। दोनों की मुलाकात की फोटो राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल में डाली गई है। यूपीपीएससी अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर प्रभात कुमार नई लकीर खींच रहे हैं। भ्रष्टाचार से मुक्त पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनाने के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीपीएससी के नए अध्यक्ष और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी नई दिल्ली में गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पुष्प भेंट करते यूपीपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ खास नहीं है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।